it is easier to pull a lawn roller than to push it. क्या रीजन है वो देखना है. जो लॉन रोलर होता है जो हम क्रिकेट में भी क्रीज को प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, ओके, सो वो रोलर को पुल करना ज्यादा आसान है और पुश करने में थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है. सो क्या रीजन है, दोनों केसेस में वेट तो सेम ही होंगे, तो व्हाट्स द रीजन, लेट्स सी हियर. जब हम पुल करते हैं तो पुल करने में डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. और जब हम पुश करते हैं तो पुश करने में ये फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ओके. पुल करने में हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, पुश करने में हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, राइट. यहां पे इन दोनों ही केसेस में जो वेट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, वेट यानी कि mg, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा. दूसरे केस में भी वेट तो वही होगा, W will be equal to mg. फिर ऐसा क्यों है? इस फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के हिसाब से. अगर ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये ग्राउंड लेवल है तो इसको हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू x एंड y एक्सिस. जो ग्राउंड लेवल के साथ फोर्स का एंगल है उसको सपोज हमने थीटा लिया तो दिस विल बिकम f cos थीटा. जो थीटा के साइड में हो वो क्या बनेगा, cos थीटा. और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, है sin theta, ओके. सो हमने इस फोर्स को बेसिकली ये स्प्लिट कर दिया, इसको हमने दो फॉर्म्स में लिख दिया, ठीक है ना. अब यहां पे एंड इन दिस केस, इस केस में फोर्स का एक्चुअल डायरेक्शन तो ये है, ओके. तो अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल के साथ में ये एंगल ऐसे थीटा फॉर्म कर रहा है, इफ दिस इज f तो ये बन जाएगा f cos theta, theta की साइड में आ रहा है. और दूसरा कंपोनेंट यानी ये बन जाएगा f sin theta, ओके. अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में. जो वेट हमको यहां समझ आ रहा है यानी कि द अपेरेंट वेट, लेट दैट w डैश, वो कितना होगा, ये सिर्फ w नहीं होगा क्योंकि इस लाइन में एक और फोर्स अब एक्ट कर रहा है, वो है f sin theta, जो एग्जैक्टली अपोजिट है. सो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या इफेक्ट, क्या इंपैक्ट बचेगा, इट विल बी w माइनस f sin theta, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसके लिए माइनस f sin theta. सो द अपेरेंट वेट जो हमको समझ आ रहा है वो नॉर्मल जो वेट था, जो एक्चुअल वेट था उससे भी कम है, इट इज f w माइनस f sin theta. जबकि यहां पे द अपेरेंट वेट w डैश विल बिकम w जो है, और सेम डायरेक्शन में f sin theta भी एक्ट कर रहा, तो यहां सेम डायरेक्शन तो क्या आएगा, प्लस f sin theta, यानी कि इधर वेट बढ़ गया, यहां पे जो एक्चुअल वेट था उससे भी ज्यादा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. सो अगर यहां पे अगर वेट ही ज्यादा हो गया तो फोर्स भी हमको ग्रेटर अप्लाई करना होगा, राइट. और अगर यहां पे नॉर्मल से भी कम हो गया अगर वेट तो फोर्स भी हमको कम अप्लाई करना पड़ेगा. Hence it is easier to pull, force कम लगने वाला, than to push. यहाँ पे force क्या हो गया, बढ़ गया है, तो हमको ज़्यादा force apply करना होगा.